हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम यहाँ पे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसा पेपर आता है, कैसा हमें तैयारी रखनी चाहिए, है ना, और किस किस सेक्शन में कितना कितना मतलब मार्क्स का हम लोगों को आइडिया रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और कैसी पिछली कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग मेन्स में कैसी कट ऑफ गई थी पिछले साल का, मैं 2020-21 का बताऊंगा, ठीक है, और क्या स्ट्रेटजी रखनी है अब हमें, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का तो पेपर आने वाला है 10 या 15 दिन में, इसकी डेट भी आ जाएगी, ठीक है, और मुझे लगता है कि सेकंड वीक में, जो अक्टूबर का सेकंड वीक है उसमें हमारा इसका पेपर कंडक्ट भी करा दिया जाएगा। एसबीआई पीओ बाद में आएगा, अभी तो उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी लोगों ने पूछा था कि इसकी स्ट्रेटजी हम लोग क्या फॉलो करें, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से बात कर लेते हैं, हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, ठीक, पहली बात तो इसकी जो कट ऑफ होती है, है ना, ये मैंने कट ऑफ लिख रखी है, कुछ कट ऑफ्स हैं यहाँ पे, और जनरल ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की मैंने इसलिए लिखी है, बाकी सबकी नहीं लिखी, बाकी सबकी होती है, एसटी होती है, एससी होती है, ठीक है, और भी होती है शायद, पीडब्ल्यू ऐसे कुछ कुछ होता है, मुझे अब याद नहीं है, ये तो होती है ऑब्वियसली। तो इनकी कट ऑफ मैंने इसलिए रखी है जनरल ओबीसी की, क्योंकि यही सबसे हाई कट ऑफ है ना, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, सबसे जो हाई कट ऑफ होती है जनरल की जाती है, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, इन्हीं की आती है। अगर आप इसको टारगेट लेके चलोगे तो ये सब तो क्लियर हो ही जाएगा, जो भी मतलब इसमें फॉल कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उसकी इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे और कोई मतलब रीजन नहीं है, ठीक है। मैंने एसटी और एससी की कट ऑफ इसीलिए नहीं रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस जो ये जो है इस मार्क्स को फॉलो करो, इसको टारगेट रखोगे, तो मैं भी यही करता हूँ, मैं भी ओबीसी में फॉलो करता हूँ और जनरल के लिए टारगेट रखता हूँ, ताकि जब मैं इसको पार कर लूंगा तो ऑब्वियसली मैं ओबीसी को भी पार कर लूंगा, ठीक है, जो भी कट ऑफ देगी। पहली बात ये होता है कि ऑल इंडिया जो इसकी कट ऑफ होती है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है, स्टेट वाइज कोई कट ऑफ नहीं होती। ये जो कट ऑफ रखी है वो सबके लिए अप्लाई होगी, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, जम्मू में रह रहे हो, चाहे कन्याकुमारी में रह रहे होगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लेके आसाम तक, फिर गुजरात तक, कहीं भी रह रहे हो, महाराष्ट्र में भी रह रहे होगे, हर जगह यही कट ऑफ रहेगी, ठीक है, कहीं भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ होती है। इतनी सीटें आती है यहाँ पे, एसबीआईपीओ की शायद सीट 1600 करीब है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का मुझे अभी अंदाजा है नहीं, याद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी भी 2000 फिर 2500 सीट होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, अब मुझे कंफर्म नहीं है, आप बता देना कमेंट बॉक्स में। देख सकते हो आईबीपीएस पीओ के बारे में बात कर लेते हैं, आईबीपीएस पीओ की जो पिछले साल की कट ऑफ गई थी वो 50.50 गई थी जनरल की, ओबीसी की सेम थी, ईडब्ल्यूएस की भी सेम थी, ठीक है। एसबीआई पीओ की आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की 63 गई थी, ठीक है, लेकिन एग्जाम भी उसी हिसाब से आया था, ओबीसी 61 गई थी, मैंने पिछली बार 60 करे थे, 60 या 62 करे थे मुझे याद नहीं है, ठीक है, मेरे 61.75 मार्क्स आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि क्या हुआ है, एक्यूरेसी के मार्क्स मिले हैं वो मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और इसी हिसाब से मार्क्स आए थे, और वो मतलब पिछली बार का एसबीआई पीओ क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया था, मेंस में कुछ मेरे 82 मार्क्स थे या फिर अब याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, 86 कट ऑफ थी पहली बार, तो 80 या फिर अगर बाय चांस मानो कट ऑफ क्लियर भी हो जाती 87 हो जाती कट ऑफ, मैं मार्क्स आ रहे थे 87, तो भी मतलब बहुत कम चांस था कि एसबीआई पीओ में मेरा सिलेक्शन होता, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़े जाएंगे, और होता यह है कि जब ये पीओ के एग्जाम होते हैं इनमें क्या होता है कि आपको 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना ही पड़ता है, तभी जाके मतलब आपके चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यू निकाल के जॉब पा सको, वरना अगर आप एक दो नंबर ज्यादा है, यहाँ पे एक दो नंबर ज्यादा है तो हाँ ठीक है आप इंटरव्यू तो दे लोगे, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू भी पार हो पाए, उसके बाद कट ऑफ भी आप क्लियर हो पाओ, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है ना, एक दो मार्क्स वाले भी हुए होंगे सिलेक्शन, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है ना कि ज्यादातर यही देखा है मैंने, पैटर्न यही देखा है, 15 से 20 मार्क्स ऊपर लाना पड़ता है। तो पिछली बार की तो कट ऑफ प्री की ये गई थी, मेंस के बारे में भी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ मैं प्री का डिस्कशन करूंगा कि प्री के लिए मुझे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ये मेरी अप्रोच रहेगी, आप इसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है, टू डू लिस्ट है, काफी लोगों ने बोला था टू डू लिस्ट निकाल दीजिए, तो यही है मेरी टू डू लिस्ट, आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी जनरल की जो मेंस की कट ऑफ थी पिछली बार की आईबीपीएस पीओ की वो 80 गई थी, है ना, तो और 77 या 75 गई थी ओबीसी की, एसबीपीओ की भी मैं लिख रखी है पिछली बार की कट ऑफ है, ठीक है। देखो अब कट ऑफ का क्या है ना, मैं एक दो साल से देख रहा हूँ कि हम लोग जैसे क्लर्क अगर ले लें, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, तो सबसे पहले इसकी कट ऑफ मैंने देखी थी 72 गई थी या 75 गई थी, तो हम लोग टारगेट करते थे कि हम लोग पिछले साल के कट ऑफ देखते थे ना, जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो पिछले साल की कट ऑफ देखते थे, तभी तो हम लोग आगे का अंदाजा लगाते थे, कट ऑफ से भी अंदाजा लगाया जाता था, ऐसे लोगों ने, टीचर ने भी बोला, जो सीनियर थे जो सिलेक्शन ले रखे हैं उन लोगों ने भी बोला है कि भाई कट ऑफ के आसपास ही, अब कुछ ना कुछ तो टारगेट रखना ही पड़ेगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स लाओगे, हमने रखा है टारगेट 75, ठीक है, क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का पिछली बार की कट ऑफ गई 76, ठीक है। अब 75 टारगेट रखा था कि कुछ कट ऑफ डाके मार्क्स 72 तक ले आएंगे,
पिछली बार की गई कट ऑफ 76, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस बार का टारगेट रखा कि साचो ठीक है, हम लोग 80 लेके चलते हैं, 80 प्लस मार्क्स, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 80 प्लस मार्क्स भी आ जाएंगे, तो 78 से 76 कट ऑफ जाएगी तो पार कर लेंगे, है ना। क्योंकि बोल रखा था, काफी लोगों ने बोला था कि भाई इस बार वैकेंसी बढ़ गई है तो शायद कट ऑफ नीचे चली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार की कट ऑफ भी 81 गई है, ठीक है, और ये मैं ओबीसी की बता रहा हूँ, जनरल की और ऊपर गई होगी यूपी से। तो कुछ ऐसा सीन है कट ऑफ का कि मैंने अब इन सब चीजों पर भरोसा करना बंद कर दिया है, चाहे कितनी कट ऑफ हो। लेकिन अब यह है कि कुछ ना कुछ तो टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा ना, कुछ भी टारगेट नहीं रखोगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अब होता यह कि आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है एसबीआई पीओ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एसबीआई पीओ जो होता है वो इकलौता एक एग्जाम होता है, ठीक है, इकलौती सीट होती है। आईबीपीएस पीओ में क्या होता है, पंजाब की सीट, पंजाब नेशनल बैंक की भी सीट है, और मतलब सेंट्रल बैंक की भी सीट है, बीओआई की भी सीट है, तो इसमें इसलिए कट ऑफ इसकी कम चली है, मतलब कंपेयर टू एसबीआई पीओ कम हो जाती है। आप फाइनल कट ऑफ भी देख सकते हो कम है अकॉर्डिंग टू एसबीआई, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं अगर 60 प्लस आपने टारगेट लेके चला है आईबीपीएस पीओ के लिए तो मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतना टारगेट लेके चलोगे कुछ ना कुछ तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो मैं अपना टारगेट 60 प्लस लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम लोग, सेक्शनल कट ऑफ होती है आईबीपीएस पीओ में, सेक्शनल कट ऑफ होती है, एसबीआई पीओ में नहीं होती है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट जो होता है पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ प्री के बाद करेंगे, मेंस के बाद मेंस में करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश में मेरा क्या होता है कि मैं तो बहुत सेफ खेलता हूँ, सेफ अटेम्प्ट करता हूँ, 15 से 20 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहता हूँ और उतने ही मेरे मार्क्स आ जाए, 15 से नीचे मार्क्स ना हो बस, ठीक है। अटेम्प्ट मेरे इतने रहेंगे, 15 से नीचे मार्क्स नहीं होने चाहिए मेरे, ठीक। क्वांट में भी मैं 20 से 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब 22 मार्क्स आ जाए, इससे नीचे ना जाए, इसके बीच में अटेम्प्ट रहे, इसी के बीच में मार्क्स आ जाए। रीजनिंग में भी मैं इतना ही खींचना चाहता हूँ कि 25 से 30 मार्क्स तक मैं खींच लूँ और इतने ही मेरे अटेम्प्ट रहे, इतने ही मेरे मार्क्स आ जाए। तो ये मेरे कुछ मार्क्स मैं चाहता हूँ कि मेरे आइडियल मार्क्स 62 के करीब आ जाए, तो शायद मैं कट ऑफ निकाल सकता हूँ इस बार की, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश जो सॉरी रीजनिंग है वो स्ट्रांग है, ठीक। उसके बाद क्वांट आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है, ऑब्वियसली सबका ऐसे ही होता है, ज्यादातर लोगों का पैटर्न यही होता है कि रीजनिंग उनकी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। तो मैं तो 60 मार्क चलाऊं, अब अपना अपना ले सकते हो, आप कोई 70 ले सकता है, कोई 50 ले सकता है, ठीक है। मैं 60 लेता हूं कि ताकि सबके लिए आइडल रहे। और अभी आईबीपीएस पीओ के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें 63 गई थी कट ऑफ, कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। 60 मैंने 62 कर रहे थे पिछली बार, पता नहीं कैसे क्लियर हो गया था, लेकिन देखो 63 कट ऑफ गई है, मतलब हद हटती हाई कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ में मैं 60 मान के चलाऊ। इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश में आप मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हो, मैं आप हर चीज नहीं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, पहली बात तो, ठीक है। सारी चीजें मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, कुछ पोर्शन के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में मैं 15 से 20 मार्क्स क्या अटेम्प्ट करता हूँ वो यहाँ पे देख लो। आरसी जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, आरसी अनसिन पैसे जो भी बड़ा सा ऐसे करके आता है लेटर जो आपको पढ़ना पड़ता है, पैराग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आपको उनको अटेम्प्ट करना होता है, 8 से 10 मार्क्स का आता है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे इसमें आकर 10 मार्क्स का आ गया तो ये नहीं कि मैं 10 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करूंगा, ठीक। मैं चाहता हूं कि 6 क्वेश्चन करूं इसमें, ठीक है, लेकिन सही करूं, एकदम एक्यूरेट करूं। तो मेरा आरसी सबसे पहला फोकस आरसी होता है, लेकिन सबसे इसे लास्ट में करता हूं। पहले मैं करता हूं रिप्लेसमेंट वाले, जो वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक, इनको करने का ट्राई करता हूं, ये इजी होते हैं बहुत, है ना। इन सब में ग्रामर तो लगा नहीं है, ठीक है। इसमें सब सिर्फ आपका जो होता है ना माइंड, जो अपने पढ़ रखी होगी इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश जितनी भी पढ़ रखी होगी, इसके लिए सबसे अच्छा होता है न्यूज आर्टिकल पढ़ा करो, न्यूज आर्टिकल डाल दिया करो भाई, न्यूज डाल दिया करो, इंग्लिश न्यूज डाल दिया करो, और वो भी गूगल पर डाल दिया करो, ठीक है, और गूगल से पढ़ दिया करो, कोई और सोर्स मतलब क्या फॉलो करोगे, कहाँ फॉलो करोगे, गूगल पर डालो, जो भी इंग्लिश का आर्टिकल आता है कहीं से भी आता है, इंडियन एक्सप्रेस से आता है, फिर हिंदू से आता है, कहीं से भी आता है पढ़ दो, ठीक है, करंट आर्टिकल पढ़ा करो, ठीक। आरसी वहां से हो जाता है, वर्ल्ड इंप्रूवमेंट भी आपको आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जितनी रखोगे इंग्लिश में उतना आपकी ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिलर्स भी जो क्लोज टेस्ट होता है वो भी आता है। अब ये नहीं कि 5 या 10 मार्क्स का आता है तो मैं 10 मार्क्स का पूरा करूंगा, भाई जिसका मीनिंग आता है मैं उसी का करूंगा। आप मेरे मॉक टेस्ट देख सकते हो, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूं इंग्लिश के। रीअरेंजमेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पैरा जंबल, इसमें पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट पेयर होगा, लास्ट पेयर दिख गया आपको, ठीक है, तो वही मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है कि आपको सारे पेयर निकालो, एक दो क्वेश्चन अगर आपको पता है कि इस प्लेस में आने ही आने हैं तो उनको मार्क कर दो बस। मैं ये कह रहा हूं कि आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए, कि कौन से आपने क्वेश्चन चॉइस कर रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आता है एरर डिटेक्शन, मैं इसको एकदम छोड़ देता हूं, निग्लेक्ट कर देता हूं। अब ये मेरी गलती भी, मान लो क्लर्क के एग्जाम में मैंने ये करा था कि 5 मार्क्स का जो एरर डिटेक्शन था वो मैंने करा नहीं था, ठीक। काफी लोगों ने बोला कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है,
इतना अंदाजा नहीं था, इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन में छोड़ देता हूँ, ठीक, रिक्स लेना ही नहीं है इस बात में, ठीक। 5 मार्क्स का आता है, ज्यादा ज्यादा आता भी नहीं है, एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स आता है, 5 मार्क्स को छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें आती है प्योर ग्रामर, ठीक है, और वो मुझे थोड़ी कम आती है, आता है लेकिन थोड़ा कम आता है, तो मेरा ज्यादा फोकस होता है इन सब चीजों पे। तो आप इंग्लिश में तो ये कर सकते हो, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग में आपको ऐसे करना है, मैं मान के चलता हूँ कि अगर 50 मार्क्स यहाँ से मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 50 मार्क्स आपने यहाँ से गेन कर लिए, कैसे भी 25-25 ले लो आप रेशियो, 20-30 का रेशियो ले लो, है ना, मतलब 50 टारगेट रखोगे तभी वो जाके 45 या फिर 48 ऐसे करके समथिंग आएंगे मार्क्स। अगर आपने 50 मार्क्स का रखा है तो अगर ऐसे मार्क्स ले आ रहे हो यहाँ से, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके आईपीएस पीओ क्लियर हो जाए, ठीक। क्वांट में क्या होता है, मेरा फोकस रहता है, क्योंकि इसमें देखो 35 मार्क्स का आएगा, 35 के 35 तो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ये माइंड से निकाल देना कि भाई अगर आपका रीजनिंग अगर पहला सब्जेक्ट है, क्वांट सेकंड है, तो क्वांट में 35 में से 35 कर लो। देखो ये सब ख्याली पकाने की जरूरत नहीं है, इतने नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतना करना भी नहीं, किसी को नहीं करना होता है। इजी इजी कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो करो सिर्फ। अब मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं कर पाएगा, जिसकी भी पहला सब्जेक्ट क्वांट होता है वो कर भी लेता है, ठीक है। तो मेरा सेशन ये रहेगा, आप सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करो, क्वाड्रेटिक पे फोकस करो, रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर सीरीज पे फोकस करो। उसके बाद आता है डीआई काफी इजी आती है इसमें कंपेयर टू भाई मेंस लेवल की डीआई अलग आती है, और फिर अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं इजी लेवल वाले उनको करो, ठीक है। चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वापस बोल रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूँ, चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक। फिर आता है रीजनिंग, पजल्स हो गए, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक है सारे क्लियर होने चाहिए, ब्लड रिलेशन से लेकर, ठीक है, ब्लड रिलेशन से लेकर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक जितने सारे, चाइनीज कोडिंग से लेकर जितने भी हैं, इनक्वालिटी हैं, सारे क्लियर होने चाहिए, चाइनीज कोडिंग आएगी कुछ भी आ सकता है, सब आपके क्लियर होने चाहिए, और उसको आपको करना चाहिए अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, काफी फायदा देते हैं। उसके बाद आपने अगर इसमें एक पजल छोड़ भी दी तो 30 मार्क्स आप बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, मैं तो 35 भी अटेम्प्ट किसी मॉक में 35 भी अटेम्प्ट हो जाते हैं, कि देखो भाई मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा था 35 अटेम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन 35 हमको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 30 करने हैं, लेकिन वो भी एक्यूरेसी के साथ करने हैं, ठीक है, 90+ एक्यूरेसी लेके चलना है सबको, इतना तो लेके चलना है, ठीक। बाकी क्वांट रीजनिंग मुझे लगता नहीं और बताने की जरूरत है, क्योंकि सबका स्ट्रांग पॉइंट यही होता है। अब यहां पे रोज एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है, आपको क्या करना है, रोज एक मॉक टेस्ट तो रोज जरूर देना है, ठीक है, एक मॉक टेस्ट रोज जरूर देना है। फिर उसका अगर हो सके तो दोपहर में एक मॉक टेस्ट दो, सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ ना करो, न्यूज भी मत पढ़ो, लेकिन सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दो, एनालाइज मत करो उसे, ठीक है। फिर बीच में इसके बीच में अगर टाइम मिलता है तो एनालाइज करो, वरना सेकंड मॉक भी दे दो, ठीक। और फिर रात में बैठ के अच्छे से एनालाइज करो कि क्या गलती करी है, कहां मार्क्स कटे हैं, किस किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लगा है, पजल में आपको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, अगर 4 से ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, तो वो कहीं गड़बड़ हो रही है, तो उसको देखो, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि पीओ में आपको देना चाहिए, ठीक है भाई। एक आध पजल हो जाती है तो वो बात ठीक है, लेकिन एवरेज अगर आपका एवरेज ही 4 से 5 मिनट के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी स्पीड धीमी है, रीडिंग तेज करो, जो पॉइंट लिखने वाले हैं बस उन्हीं को नोट डाउन करो, ठीक है। वीडियो देख लो, मेरी अप्रोच देख लो कि कैसे मैं पजल को अप्रोच करता हूँ, देखते ही पजल को मैं कैसे एनालाइज करता हूँ कि हाँ इसके बारे में क्या पूछा गया है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने SBIPO के लिए पिछली बार कैसी तैयारी करी थी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट बुक का ही सहारा लिया था, पिछली बार मेरे पास टेक्स्ट बुक ही था, तो इसी का सहारा लिया था। आप लोग कोई प्लेटफॉर्म हो, ऐसे देखो प्लेटफॉर्म से कोई मतलब जो भी आप यूज करते हो उससे कोई डिपेंड नहीं होता है, बात होती है प्रैक्टिस की, जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो ये प्री के मॉक टेस्ट है, तो जितनी मॉक टेस्ट है आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। पहले मॉक टेस्ट में कितने हैं, 63 आए हैं, फिर कितने 59 आए हैं, फिर इसमें कितने कम हो गए इसमें है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो रीजनिंग में तो अच्छा खासा अटेम्प्ट हो गए थे, रीजनिंग में 34 अटेम्प्ट हो गए थे, न्यूमेरिक में आप देख सकते हो सर मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, 18 अटेम्प्ट करे हैं, 16 और 1 17 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक, 17 में से इतने गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं पहले ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता था, ठीक है, करता था इसीलिए, तो वो 4-4 गलती जाती है। रीजनिंग में आप ऐसे मार्क्स देख सकते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्कोर आ रहा था, 63 आया है, ठीक, इसमें 59 आया है, 45 आया, 60 आया, 48 आया है, फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट में 50 आया, 51 आया, 53 आया है, तो आप एवरेज देख सकते हो 60 या 50 के, 60 से लेकर 50 की लाइन के बीच में है एवरेज मेरा, ठीक। तो मैंने यही ट्राई करा है कि इसके बीच में एवरेज ले आऊं। बाकी आप परसेंटाइल को भी फॉलो करो कि आपकी परसेंटाइल कैसी आ रही है, जैसे इसमें देख सकते हो 91 परसेंटाइल है, मैं ये कहता हूँ कि देखो 90 से ऊपर परसेंटाइल रखोगे तो बस सेफ हो आप, मतलब
काफी अच्छा स्कोर कर रहे हो आप, ठीक 90 से ऊपर परसेंटाइल है। तो इसमें तो काफी गलत चले गए थे मेरे, इंग्लिश में 5 गलत गए और रीजनिंग में भी 5 गलत चले गए मेरे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कम नंबर आए हैं इसमें, और इस कम नंबर वाला भी देख लो आप लोग, इसमें भी 82 परसेंटाइल है, ठीक है, 42 मार्क्स लाने के बावजूद, मतलब बावजूद क्या मतलब ये कम मार्क्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश पूरी गलत चली गई है, देख सकते हो ना, मैंने 18 क्वेश्चन करे हैं उसमें से 14 मार्क्स इंग्लिश से गलत चला गया है। तो कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक। तो ऐसा नहीं कि मैं हर बार परफेक्ट ही हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो उनको सुधारने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। तो ये IBPO का था। और जब मेंस की बात करेंगे, जब मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस की भी बात करेंगे कि मेंस में कैसे कर रहे थे, हमने स्कोर करते मेंस में भी ऐसी 80 से लेकर 90 के बीच में मेरे मार्क्स आ रहे थे, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहे थे, किसी किसी एक मौके में बढ़ जाते थे, बाकी में नहीं बढ़ रहे थे। बाकी यहाँ पे आप ISPO का मैं अभी दे रहा हूँ मॉक टेस्ट, तो उसमें कैसा आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे रिज्यूम कर दिया जाए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन फॉलो करा है और 13 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जितना मैंने मॉक दिया तो दिया, शाम को क्या करता हूँ, शाम को अगर मैं लेटा हूँ सिर्फ, तो मोबाइल उठाया और इंग्लिश का मॉक देना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ इंग्लिश का। अब इसमें मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, सिर्फ मेरा RC बचा है सिर्फ, ठीक है, 8 में बचे हैं और मेरी RC बची है, तो मैं सिर्फ RC करूंगा। और देख सकते हो इसमें मैंने जितने क्वेश्चन करे हैं वो या तो फिलिप्स हैं, ठीक है, फिलिप्स हैं, और या तो वर्ल्ड रिप्लेसमेंट है ना, वर्ल्ड इंप्रूवमेंट है, और ये नहीं कि सारे अटेम्प्ट करे हैं। अब देखो ये वाला छोड़ दिया मैंने, ये भी छोड़ दिया, जान मुझे अटेम्प्ट नहीं करता मैं, एकदम जो जिसमें मुझे पक्का भरोसा मैंने वही अटेम्प्ट कराया और बाकी छोड़ दिए। अब इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं बैठ के मैथ और रीजनिंग दे दूंगा, ठीक है। ये आज का दिया है 4th मॉक टेस्ट था, इसमें ऐसे करके मार्क्स आए हैं। अब आप देख सकते हो 68 अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी देख सकते हो 90 प्लस रखने का मैंने ट्राई करा है, ठीक है, परसेंटाइल भी अच्छा ही आया है, और मार्क्स यहाँ पे गलतियां देख सकते हो कहाँ कहाँ गई है, सिर्फ 2 गलत गए इंग्लिश में, ठीक है, न्यूमेरिक में भी 2 गलत गए, रीजनिंग में भी 2 गलत गए, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे मैंने गलतियां क्या करी है, RC पूरा सही गया है मेरा, ठीक, RC पूरा सही गया है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, RC का 1 छोड़ दिया मैंने, जो चीज नहीं आती भाई उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, जानबूझ के ऑर्डर नहीं कर सकते, एरर मैंने पूरा छोड़ दिया है, एरर आता नहीं है तो छोड़ दिया, आता है लेकिन मैं ट्राई नहीं करता। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मैं देखा कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मैंने छोड़ दिया, इसका भी देखो पढ़ा नहीं पता नहीं छोड़ दिया, ठीक, इसको मेरे को वापस से क्लोज सेस मैंने स्टार्ट कराया इसका, ठीक है, इसको भी ट्राई करा है। अब ये ऐसा नहीं होता ना कि मैं सारे क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, जो सिर्फ मुझे इजी लगते हैं, इजी तो गेन लगते हैं, जिसमें मैं मार्क्स गेन कर सकता हूँ, मैं उन्हीं को क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। अब आप देखते हो यहाँ पे रेज्यूम पे लगा है, ये भी रेज्यूम पे लगा है, ठीक है, ये भी रेज्यूम पे लगा है, इन सब का मीनिंग क्या है, ये सब मैं यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जब इंग्लिश अटेम्प्ट कर लूंगा मैं, ठीक है, तो उसके बाद मैथ और रीजनिंग मैं कॉपी पे बैठ के लगा दूंगा। तो मैं ऐसे करके मॉक टेस्ट देता हूँ, ठीक है, तो आप भी ऐसे करके ट्राई करना, यही स्ट्रेटेजी रहेगी, रोज एक मॉक टेस्ट, एक या दो मॉक टेस्ट ट्राई करना। अभी आपके पास 10 या 15 दिन है, उसके बाद डेट आ जाएगी, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा नहीं। तो IBPSPO के लिए आप टारगेट लेके चलो 60+, है ना, और मैं कह नहीं सकता इस बार कट ऑफ क्या, पता मैं ये ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ 65 कट ऑफ भी जा सकती है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इस बार, तो कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ तो टारगेट लेके आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक, विद 90+ एक्यूरेसी और 90+ परसेंटाइल, ठीक, ये जो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यही रहेगी स्ट्रैटेजी, बाकी SBPO आएगा तो उसकी भी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।